शिरीन क्या हुआ? अयान का खत आया है। अयान का खत? प्यारी अम्मी आदाब, अल्लाह के फजल से मैं खैरियत से हूं और लंदन आ गया हूं। मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, लेकिन कुछ बनकर। खुदा हाफिज अयान। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर अयान की कोई तो खबर आई। और खुदा का शुक्र है शिरीन कि अयान खैरियत से है, बिल्कुल सही है। अब क्या हो गया शिरीन? अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो अयान की खैरियत की खबर भी आ गई। तो क्या करो, खुशियां मनाओ। तेरा बच्चा विलायत में है भाभी, अकेला कहाँ रहेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा, कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं, कुछ पता नहीं। सब तबाह हो गया, दिलशाद ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कब इस सब से छुटकारा मिलेगा पता नहीं, छुटकारा मिलेगा भी या नहीं पता नहीं। शिरीन कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे इस तरह के सवाल तो वो करते हैं जो हार मान लेते हैं, और हम उनमें से थोड़े हैं जो इतनी आसानी से हार मान ले। हम इससे लड़ेंगे। और एक बात और, अगर घी सीधी उंगली से न निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं कुछ समझी नहीं। देखो शिरीन, अगर हमें दीवार गिरानी है और दीवार ना गिरे तो उसकी नींव को खोखला कर दो। मतलब ये है कि अब हमें अपना निशाना दिलशाद से हटाकर कहीं और लगाना होगा। दिलशाद के सबसे बड़े सहारे को तोड़ना होगा शिरीन। और उसका सबसे बड़ा सहारा कौन है? कौन? सोया। सोया, असद कहाँ बेटा? परेशान मत होइए पप्पी, मुझे पता ही था आप मिस्टर खान को ढूंढ रही होंगी। वो यही है, बस अपना सामान लेकर आउट हाउस में शिफ्ट हो गए। आउट हाउस? देखिए पप्पी, वो कह रहे थे कि वो आपसे दूर तो नहीं जा सकते, कम से कम इन लोगों से इतना दूर तो जा सकते हैं कि इन लोगों के साथ उन्हें एक छत के नीचे ना रहना पड़े। मैं उससे बात करके आती हूँ। पप्पी प्लीज मत जाइए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन पप्पी मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिस्टर खान को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आप भी जानती हैं ये सब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही कर रहे हैं। आप भी जानती हैं उनके लिए ये करना कितना मुश्किल है। एडजस्ट होने में और इस सब में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना, इसलिए मत जाइए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सोया, बचपन से ही मेरे बच्चे ने बहुत से दुख सहे, बहुत गम सहे, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि इन गमों का साया दोबारा असद पर पड़े। पर मैं क्या करूं, फूल पर बाग की मिट्टी का असर तो होगा ही, चाहे अच्छा हो क्या बुरा। पप्पी प्लीज परेशान मत होइए, मिस्टर खान ठीक है, वो एडजस्ट कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है सोया, मैंने जो किया
क्या वो ठीक था? ऑफ कोर्स ठीक था पुप्पी, कुछ भी गलत नहीं किया आपने। आपने इतने सालों से ना जाने उन लोगों की कितनी बातें सुनी, वो आपको कुछ भी कहते रहे और आपने कभी कुछ नहीं कहा। कितना बर्दाश्त करेंगी आप? कब तक चुप बैठती आप? कभी ना कभी तो मन भरता है ना, कभी ना कभी तो ये गुबार निकलना ही था। और वैसे भी आपने आज जो कुछ कहा ना, वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो सब आपके दिल से निकला था और दिल से निकली हुई कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती। पप्पी प्लीज परेशान मत होइए, कुछ भी गलत नहीं कहा आपने। ये लड़की सोया एक बहुत बड़ी मुसीबत है, इस खानदान के लिए अजाब है। उसके तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ बेहद खराब। ये देखो ना, देखो, कुरान खाने के वक्त ये तस्वीरें ली थी मैंने, गौर से देखो, सरासर हमारी रवायतों और हमारी तहजीब की तौहीन है। देखो ना, अरे इतने पाक मौके पर इस तरह का लिबास, बेहयाई का नमूना बनी घूम रही थी ये लड़की। इसी बात का हमें फायदा उठाना है। इसका ये तो बहुत छोटी सी बात। शीरिन, चिंगारी तो छोटी ही होती है लेकिन वो पूरे जंगल को चलाकर खाक कर देती है। अब तो देखना कैसे मैं इस लिबास के बहाने इस खानदान की इज्जत उतारती हूं। बेइज्जती का कालख दिलशाद और उसके खानदान पर इस तरह से लगेगा कि इस घर तो क्या पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। लिखत, अब तुम ठीक हो ना? हाँ बाजी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी बहुत नाराज होंगी ना तुमसे, क्योंकि कुरान खानी में तुमने हमारा साथ दिया। बाजी, आप अम्मी की फिक्र मत कीजिए, वैसे भी गलती उनकी नहीं है, बस हालात ही कुछ ऐसे हैं। थैंक्स निखत। बाजी, इसमें थैंक्स क्या है? और वैसे भी मैं अम्मी से बात करने वाली हूँ, आप देखना कुछ ही वक्त में सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सब कुछ कितना उलझ गया है ना, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, हालात गलत हैं बस। मैं अम्मी की भी बात समझ सकती हूँ, शीरिन भी का गुस्सा भी। आखिर एक दूसरी औरत होना आसान नहीं है। ये सब समझ में नहीं आता, लेकिन क्या एक शख्स एक ही वक्त पर दो लोगों से मोहब्बत कर सकता है? वो मुझे नहीं पता, पर जब पता चलता है कि आपके प्यार में कोई और भी हिस्सेदार है और जब वो प्यार चलता रहे और उस प्यार को बांटना पड़े तो जीना मुश्किल हो जाता है। समीरा एक बहुत ही मासूम और भोली भाली लड़की थी, अब एक दूसरे से प्यार हो गया, पर समीरा को ढूंढना मैं कभी बंद नहीं कर सकता। निखत, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना?
हाँ बस थोड़ा सा थक गई हूँ। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, सो जाओ। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहां से सीखा तुमने इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारना? लड़कियों के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आते हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो बड़े काम का बंदा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। या अल्लाह, हुआ क्या, ठेंगा? चले थे गुंडों से उसको बचाने, कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक हुमैरा का मूड वैसे का वैसे ही। उड़ा उड़ा मेरा मजाक उड़ा, लेकिन तुम देखना हुमैरा एक दिन रिस्पॉन्ड करेगी। मैंने वादा किया था कि हुमैरा को एक दिन जिंदगी से फिर मोहब्बत होगी और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। फिर वही बड़ी बड़ी गप्पे, कैसे करोगे तुम ये सब? तुम्हारे पास पट्टी, व्हाइट पेंट और कैंची और व्हीलचेयर है? एक्सक्यूज मी, तुम्हें ये सब कुछ क्यों चाहिए? तुम्हारे पास है कि नहीं? अरेंज हो जाएगा, ये मेरा मास्टर प्लान है। फरहान, अपना ख्याल रखिएगा, और वहां पे ठंड होगी ना तो स्वेटर पहनना भूलिएगा मत। और जल्दी वापस आइएगा। अल्लाह हाफिज। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैंने पूछा कौन है? अरे ये तो हाथी का हाथ लग रहा है। हटो, डन। अब पैर लाओ। कम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अच्छा, वाला मैं आती हूँ। वेट, लाओ दो। ओह ओह, आई एम सॉरी। आराम से। हाँ।
हाँ जल्दी 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 वेट जल्दी क्या स्लिंग बनाया मैंने। मैंने कहा था ना जोया फारूक इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। डन एकदम ओरिजिनल लग रहा नहीं। गुड जॉब कैरेक्टर मेरा होना। अच्छा ठीक है इसी बात पे एक शेर अर्ज फरमाइए। अगर हो कहीं झूठ का कंपटीशन तो तुम होगे मास्टर। अगर होगा झूठ का कंपटीशन तो तुम होगे मास्टर। क्या बात? जैसे झूठे तुम वैसा झूठा ये प्लास्टर। वाह वाह शुक्रिया 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 क्या शेर मारा है। थैंक यू। ये प्लास्टर भले ही झूठा पर तुमने शायरी की ऐसी टांग तोड़ी है कि उसको पर सच्चा प्लास्टर ही चढ़ गया। आज तो तुमने कह दिया लेकिन आज के बाद जोया फारूकी की शायरी के बारे में गलती से भी कुछ मत कहना। शायद तुम्हें पता नहीं है मैं कितने ऊंचे दर्जे की शायरी करती हूँ। अच्छा ये छोड़ो तुम ये बताओ तुम्हें लगता है तुम्हारा आइडिया काम करेगा? करेगा जरूर करेगा बस तुम देखती जाओ। रियली फ्यूल आगे जल्दी करो जल्दी करो। बीमार की एक्टिंग करो। हाँ आपकी चाय। तुम्हें तो देख भी नहीं रही। ये कैसे हुआ? गुंडे तो भाग गए थे ना? वो गुंडे थे वक्त नहीं कि जो लौट कर ना आ पाए। वो आए और अपने साथियों को भी लेकर आए और नतीजा आपके सामने है। कमबख्तों ने बहुत मारा उसके बाद मुझे बाहर सड़क पे फेंक दिया। मैं तो वेट करता रहा कि कब कोई अल्लाह का बंदा आएगा और मेरी मदद करेगा पर कोई नहीं आया। आप भी नहीं आई। चाय पीजिए और आराम कीजिए। थैंक यू। थोड़ा और पास आइए ना। एक लाचार का दर्द कोई अपना ही समझ सकता है। आप बहुत अच्छी हैं हुनेरा जी। थोड़ी चाय दीजिए ना। बस थैंक यू हुनेरा जी। थैंक यू सो मच।